Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. This is Shafiq Hussain, a lecturer in Computer Science, Government Postgraduate College, Samudri. College Management System ki development series chal rahi hai, to isme attendance ka module add kiya hai, plus टोटल जो है इसकी स्टूडेंट्स की इंटरनल परसेंटेज, उसका इंटरनल ग्रेड, उसकी टोटल अभी तक जो है वो अटेंडर्स की परसेंटेज, काफ़ी अच्छा और बड़ा काम किया मैंने. लेट मी डिस्क्राइब यू. सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जी, स्टूडेंट एग्ज़ाम रिपोर्ट्स. ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है. यहाँ से पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ मेरा हर ये ठीक है जूम. ये देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, लाइक जो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी, उसका एड्रेस यहाँ पे और फ़ोन नंबर आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल है, स्टूडेंट का रोल नंबर 001-, उसके बाद 2019 से 2021 इसका सेशन है जिसको शॉर्ट में 1921 लिखा है. नेम उसका आ गया यहाँ पे. उसके बाद इसका प्रोग्राम FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ICS वगैरह जो भी है. उसके बाद सेक्शन इसका, उसकी शिफ्ट, उसकी इंटरनल परसेंटेज, इंटरनल एग्ज़ाम 75.86% और इंटरनल ग्रेड B एंड अटेंडेंस 78.33%. इसका जो सबसे पहला जो हमने एग्ज़ाम मतलब हुआ था वो टेस्ट September 2019, ये उसकी एग्ज़ाम डेट. इसमें इसने टोटल जो है 555 मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल 700 ग्रेड B. केमिस्ट्री ऑब्टेन्ड, इंग्लिश, इस्लामियत, मैथ, पाक स्टडी एंड फिज़िक्स एंड उर्दू. And over here total exams and their grades. उसके बाद ये वाला जो एग्ज़ाम अक्टूबर, उसमें इसने 473 नंबर लिए आउट ऑफ 700 ग्रेड B एंड अगेन सब्जेक्ट्स की डिटेल वगैरह सारा कुछ. अच्छा, उसके बाद ये वाला टेस्ट दिसंबर टेस्ट एंड उसमें भी ये उसकी काफ़ी डिटेल है. उसके बाद यहाँ पे ये वाला टेस्ट लाइक फैब टेस्ट, और इसमें भी इसकी अपनी डिटेल है. देन वी हैव दिस वन, द लास्ट वन एडमिशन टेस्ट, और इसने भी यहाँ पे ये कार कर दी. ओवरऑल अगर मैं इसको इसको हम देखें, ओवरऑल यहाँ पे इसने टोटल जितने भी एग्ज़ाम हुए 5 हुए, और 700 नंबर का एक एग्ज़ाम, तो 700 × 5 = 35 टोटल इसके मार्क्स बन गए, और इसने टोटल 2655 मार्क्स गेन किए. तो इसकी टनल परसेंटेज जो मेंटेन हो रही है वो 75.86 है. इसी तरह टोटल लेक्चर्स डिलीवर किए गए 812 और इसने अटेंड किए 636, तो इसकी परसेंटेज ये रही. अब मैं ज़रा इसकी तरफ अटेंडर्स की तरफ आता हूँ, जो कि मैंने अभी स्क्रीन जो मॉड्यूल जो है वो ऐड किया है. सेशन लेवल पर जो है एडमिन जो है वो अटेंडर्स लिस्ट वो करेगा, जनरेट करेगा. लाइक मिसाल के तौर पर मैं न्यू अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करता हूँ अगस्त, और अटेंडेंस ईयर 2019, और इसमें पूरे वर्किंग डे कितने थे, लाइक 23 इसके वर्किंग डेज थे, इसको मैंने ऐड कर दी. अच्छा, उसको ऐड करने के बाद दैट्स ऑल. उसके बाद हमने मैंने कुछ प्रोफेसर्स ऐड किए हैं, इनको मैंने कोर्सेज असाइन किए हुए हैं. लाइक ये पहले प्रोफेसर को मैंने 3 कोर्सेज असाइन किए हैं जो पढ़ा रहा है, उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडी.
ये हमारे पास प्रोफेसर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये वाले जो है मैथ, और ये वाले फिज़िक्स और ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये लोग जो हैं अपने अपने मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और प्रोफेसर 001 से लॉग इन होता हूँ। प्रोफेसर 001 जो हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के फ़ख्र हुसैन, और जैसे ही उनके पास ये जो क्लास में दो ही स्टूडेंट्स हैं और ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अनमार्क्ड अटेंडेंस 3 आ रही, जून की, जुलाई की और अगस्त की। ये जून की अटेंडेंस जो है वो अपलोड करते हैं, इसमें यहाँ पे आ रहा है टोटल डेज़ जो है, जो वर्किंग डेज़ थे जून में वो 21 थे, तो यहाँ पे उन्होंने अटेंडेंस लगा दी। लाइक ये 18 में अकराम जो है वो प्रेजेंट थे 18 डेज़ में, और बाकी में उन्होंने छुट्टी की या नहीं आए, और ये 20 में थे। इस तरह इन्होंने सबमिट अटेंडेंस कर दी। उसके बाद ये जो दूसरा है जुलाई में, सेम ये जुलाई में भी क्या करते हैं, जुलाई में भी 22, एंड अब यहाँ पे मैं 25 करता हूँ, तो ये बताएगा कि फॉर स्टूडेंट्स मोहम्मद जिशान मोहम्मद जाहिद रोल नंबर दिस अटेंडेंस डेज 25 इज़ इनवैलिड, क्योंकि इसके वो हो ही नहीं सकती। अच्छा, इन्होंने ये रहेगी अटेंडेंस जो है अगस्त की 2019, यहाँ पे उन्होंने 14 एंड 17 उन्होंने सबमिट कर दी। इसी तरह जो है ये किसी भी अटेंडेंस को देख सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से उन्होंने लॉग आउट किया, सेम इस तरह जो है ये एग्ज़ाम का भी डेटा अपने अपना वो करेंगे। यहाँ से लॉग आउट हुए, प्रोफेसर 002 से मैं लॉग इन हुआ, ये कोई और प्रोफेसर थे, इन्होंने अपने ये पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की दफ़ा भी इन्होंने अटेंडेंस अपनी लगा दी। इनके भी 21 थे इस मंथ को, सो इन्होंने 17 एंड यहाँ पे ये 19 में ये स्टूडेंट जो है प्रेजेंट रहा। सेम इसी तरह दूसरे महीने में जुलाई में भी इन्होंने 18 और यहाँ पे इन्होंने 17। ये जस्ट टेस्ट टेस्ट डेटा मैंने पहले से ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, सो दैट की वीडियो जो है वो शॉर्ट सी बने, ज़्यादा लेंथी ना बने। 21 एंड 20, सॉरी, इनकी भी हो गई अटेंडेंस। उसके बाद प्रोफेसर 003 से कोई और उन्होंने लॉग इन किया, ये जो है फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने भी इस तरह अपनी अटेंडेंस कंप्लीट की, 15 एंड 18। और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ से 19 और इन्होंने 20। अच्छा, उसके बाद द लास्ट वन इज़ हेयर हेयर, यहाँ पे 17 और 19 जो है वो अटेंडेंस अपलोड कर दी। अब यहाँ से मैं लॉग आउट होता हूँ और दोबारा एडमिन से लॉग इन होता हूँ, एडमिन 1, तो प्रोग्राम सेक्शन लिस्ट में गए, यहाँ से हमने देखा कि अनमार्क अटेंडेंस 3 रहती हैं, तो फर्स्ट वन ये जून की मैं देख रहा हूँ। जून में जिन जिन प्रोफेसर ने डेटा अपलोड किया होगा, फिज़िक्स वाले ने कर दिया, केमिस्ट्री वाले ने कर दिया, इंग्लिश वाले ने कर दिया, मैथ रह गया, उर्दू उर्दू इस्लामियत और पाक स्टडी एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और एक मैथ वाला रह गया। जब ये कर देंगे तो यहाँ पे उनका डाटा आ जाएगा। वैसे ये भी जो है एडमिन भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट एडमिन की ज़रा थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कंसर्न जो है वो प्रोफेसर जो हैं वो कर देंगे। सो मैं यहाँ पे प्रोफेसर 003 से आई थिंक होगा 004 से मैं लॉग इन हुआ। 04 जो है ये मैथ के प्रोफेसर हैं और इन्होंने ये मैथ ही पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने मैथ की दफ़ा अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। इन्होंने यहाँ पे 17 और 18 अटेंडेंस लगा दी। सेम इसी तरह इन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में 19 प्लस 20 ये कर दिया। ओके, ये प्रोफेसर जो कि 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे थे उनका, बाकी तो मैंने अटेंडेंस लगा दी। यहाँ पे
जल्दी से पास करके वीडियो को। अब यहाँ पे ये लास्ट है, इसको मैं दोबारा से रिज्यूम कर लिया एंड 20 एंड 23 टू टोटल डेज एंड 22 एंड 17 एंड 14 लेट्स सपोज। तो ये मैंने सबमिट करवा दी। इसी तरह जो है प्रोफेसर्स ने अपने अपने वो कर दी। वैसे तो हर मंथ हो जाएगा, मैंने जैसे एक टेस्ट के लिए जो है ये सारा रखा है। प्रोग्राम सेक्शंस में गए, यहाँ पे अनमार्क अटेंडेंस जो जून वाली, इन्होंने हर सब्जेक्ट ने अपना अपना वो प्रोफेसर ने अपना डेटा कर दिया। अब ये अटेंडेंस जैसे ही सबमिट करते हैं, अच्छा तो हमारे पास दो रह गई। अच्छा उससे पहले मैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट लिस्ट को ज़रा मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट में हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो हैं, इनमें एक ये चीज़ जो है अटेंडेंस शॉर्टेज फाइन। अब यहाँ पे ज़रा काइंडली देखिएगा कि जनवरी में टोटल लेक्चर जो डिलीवर किए गए थे वो 168 थे, इन्होंने जो लेक्चर अटेंड किए 137 और जो एबसेंट रहे 31 में, तो इनको फाइन इतना बढ़ गया 93 रुपीज़। वो कैसे? कॉलेज इन्फॉर्मेशन में गए, पर लेक्चर एबसेंटी फी फाइन रख दिया 3 रुपये और यहाँ पे चेक बॉक्स है अप्लाई फाइन, शुड अप्लाई फाइन। अगर ये चेक होगा तभी फाइन जो है अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा फिर बैग में जाते हैं, तो लिहाजा ये 31 डेज एबसेंट रहे तो लिहाजा इनको 93 रुपीज़ फ़ाइन बढ़ गया। फिर इस तरह फरवरी में ये 37 डेज लेक्चर ने अटेंड नहीं किए तो उसका ये फ़ाइन बन गया। मार्च में एंड अप्रैल मई जून एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं जिस मंथ में जितनी जो हैं लेक्चर्स कम अटेंड करेंगे उसी हिसाब से रेट से वो आप अपडेट कर दें, उसी हिसाब से उसको फ़ाइन होता रहेगा। तो ये टोटल जो है वो 612 रुपये इसको फ़ाइन हो गया। अच्छा दोबारा मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाता हूँ, इसकी डिटेल में जाता हूँ मज़ीद इसको कंफर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम रिपोर्ट जो कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट्स जो है इसमें इस चीज़ के बारे में ज़रा दोबारा देखते हैं। ये चीज़ देखें, जनवरी में इन्होंने 22 लेक्चर अटेंड किए केमिस्ट्री के आउट ऑफ 24, इंग्लिश के 18, इस्लामियात के 19, मैथ के 21 आउट ऑफ 24, पाक स्टडी के पाक स्टडी के 20 आउट ऑफ 24, फिजिक्स के 20 ऑफ 24, उर्दू के 17 ऑफ 24। तो टोटल इनके लेक्चर्स जो इन्होंने प्रेजेंट किए मतलब जो है वो थे 137 और टोटल 168 थे। सो इनकी जो अटेंडेंस की परसेंटेज जो है वो इस मंथ की वो 81.5 है और नेक्स्ट मंथ इसकी 75 रही, उसके बाद 80, फिर 68, फिर 87, फिर ये 88 और अभी ये जून। अभी मैं रिसेंटली शॉर्ट जुलाई को भी मैं जब फाइनलाइज करूँगा तो जुलाई का डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल इसकी जो परसेंटेज चल रही है अटेंडेंस परसेंटेज वो 78.33 चल रही है। ठीक है तो लिहाजा दोबारा जाते हैं वहाँ पे और मैं जो बाकी जो हैं ये वाली जो है यहाँ मैं इसको मैं दोबारा जुलाई को जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ ये चीज़ें जो हैं फिज़िक्स में और ये इकराम के लिए और ये जाहिद के लिए एक 19 मैंने इसको जस्ट इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नया रिकॉर्ड आ गया। इसमें जो है ये जो डेटा आ गया उसका जो है स्टूडेंट्स का। ठीक है इसमें इसमें 78 पॉइंट समथिंग रही। सेम इस तरह जो है मैं दोबारा ये लास्ट वाली मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा अगेन मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट किया तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रह गया जिसकी मैंने वो करनी हो। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अगस्त का रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक सो इस तरह जो है स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मेंटेन होती रहेगी और उसका ओवरऑल जो है उसकी परसेंटेज बनती रहेगी कि वो उसका क्या उसका परसेंटेज है। से साथ साथ में स्टूडेंट की अगर फाइन जो स्टूडेंट को फाइन जो है फाइन जो इसकी वो बढ़ता रहेगा। लाइक अभी इसको 798 रुपीज़ जो है वो फ़ाइन हो चुका है
जो कि इसके डिफरेंट लेक्चर ना अटेंड करने की वजह से डिफरेंट अमाउंट्स में हुआ है, और सॉरी डिफरेंट इन चीज़ों में हुआ है। तो इसको हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें भी अपने आप को अपडेट कर लेंगी। तो इसके साथ साथ ये स्टूडेंट का पोर्टल भी बन रहा है, स्टूडेंट का पोर्टल जो है पासवर्ड आईडी जनरेट हो गई है। नेक्स्ट जो है काफ़ी सारा भी काम रहता है, उसमें क्या है कि हमने इसको स्टूडेंट का अभी स्टेटस जैसे एक्टिव आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स का, आपने उसको स्ट्रक ऑफ करना है, उसको जो है कोई फ़ाइन इम्पोज करना है, तो आप यहाँ से उसको फ़ाइन इम्पोज कर देंगे। तो जो फ़ाइन इम्पोज करेंगे उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा और साथ में इसको टोटल फ़ाइन में ऐड हो जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपने फ़ाइन किस वजह से किया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। उसके बाद जो है जो लिस्ट बनी है ये पीडीएफ पे, इसका पीडीएफ जो है वो एक पेज नहीं आ रहा, तो इसको पीडीएफ पे लेके आना है। तो इसको जो है थोड़ा सा देखेंगे और उसको जो है जो पीडीएफ में डाटा, मेरी कोशिश थी कि सारा सारा डाटा एक पेज पे आ जाए, बट ये जो है एक पेज पे नहीं आ रहा, तो इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे, इसको दोबारा से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डाटा एक पेज पे आ जाए, नहीं तो दूसरे पेज पे चला जाए, ठीक है। और फाइन डिफरेंट तरह के स्ट्रक ऑफ उसके रिकॉर्ड्स वगैरह इंशाल्लाह उसको बाद में मेंटेन करेंगे। तो ये इस मॉड्यूल में जो है हमने फाइन इसका जो है मार्क अटेंडेंस का मॉड्यूल जो है वो दिखा है। आप इसको बेशक जो है बाद में अपडेट भी कर दें, ऐसा कोई इशू नहीं, अपडेट कर दें तब भी ये जो है इसको रिगरसली चेक हुआ है कि वो जो फ़ाइन होगा वो भी इसके मुताबिक ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और अटेंडेंस भी परसेंटेज भी अलग से वो मेंटेन होती रहेगी। आई होप आप लोगों को जो है ये अच्छा लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे अगेन वंस अगेन इट्स अ वेरी हार्ड वर्क एंड इट्स वेरी हार्ड वर्क एंड प्रोफेशनल इज इन्वॉल्व्ड। इसमें काफ़ी कुछ जो है वो है, प्रोग्रामिंग मेरा शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रोग्रामिंग में काफ़ी मेहनत भी की है और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10-12 साल हो गए इसमें काम करते हुए। सो इसमें जो है अपना ही एक एक इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और कोशिश करें, मेहनत करें, ख़ासतौर प्रोग्रामर्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो मेहनत करें और जितना हो सके, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ऐसी फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ये आपको ऑनर भी देती है और एज अ हॉबी जो है आप इसको करें तो इसमें आप काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।